वेलकम बैक अगेन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी टाइम से आप रिजल्ट पढ़ते आ रहे हो, वो रिजल्ट क्या है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सबको पता है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन वो होता कैसे है? देखो, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, ए बी सी, ठीक है। मेरे को प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। मैं इस पे लिख रही हूँ साफ साफ, टू प्रूव क्या है, इफ़ दिस इज एंगल वन, दिस इज एंगल टू एंड दिस इज एंगल थ्री। तो मेरे को प्रूव करना है दैट एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके लिए मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ, देखो, लिखोगे आप सारे स्टेप्स किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले। थ्रो ए पॉइंट से मैंने एक बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, मैंने इसको नाम दे दिया, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ठीक है। मैंने ए पॉइंट से बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, थ्रो ए, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन पी क्यू, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब देखो बेटा करना क्या है, प्रूफ। ये वन, ये टू, ये थ्री, इसको मैंने माना फोर, इसको मैंने माना फाइव। अगर मैं बात करूं, दिस इज अ लाइन, पी क्यू इज अ लाइन, राइट। इफ पी क्यू इज अ लाइन, देन एंगल वन प्लस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू 180। ये सबको पता चल गया। इफ पी क्यू इज ए लाइन, ठीक है, इफ पी क्यू इज अ लाइन, देन एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबको समझ आ गया। एक लाइन पे जो ये कंप्लीट एंगल होता है, ये कितने का होता है, 180 डिग्री। सबको समझ आ गया। फिर देखो बेटा, अगर मैं इसको रफ कर दूं, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके एंगल होगा। रीजन, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देन एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन सेम वे यहां पे था आपका एंगल वन, ये एंगल फाइव, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रही हूं, ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहली बात तो इंटीरियर एक दूसरी साइड, एक दूसरी साइड, तो कैसे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री, उसका भी रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसका मैंने यूज किया इस इक्वेशन में, ठीक है। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन वन, एंगल वन, मेरे को टू प्लस थ्री प्रूव करना है ना, फोर को मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर और टू क्या है, इक्वल। तो फोर को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू। फाइव की वैल्यू क्या है बेटा, थ्री। फाइव की वैल्यू क्या है, थ्री के इक्वल है, तो फाइव को क्या पुट कर सकती हूँ, थ्री। तो तीनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। यही मेरे को प्रूव करना था। ये तीनों एंगल कौन से थे बेटा, वन टू थ्री, यही इनका सम मेरे को कितना दिखाना था, 180 आ गया, 180। तो ये था बेटा आपका प्रूफ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।